more the sense that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, they were feelings. And now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to leave a picture in, cause my reality ain't your reality, no. You can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइव विद अनिका में। और गाइस, अभी सो के उठी हूँ और स्कूल से आके ना सच में इतनी तो गर्मी पड़ रही है, बहुत थक जाती हूँ। तो बस कुछ हल्का फुल्का खाना पीना खा के और बस सो जाती हूँ। और जब मैं स्कूल से आती हूँ तो बच्चे मुझे मेरे सोते हुए मिलते हैं, तो खा लेती है किट्टू स्कूल से आके। कभी कभार नहीं खाती है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं खाने में, तो मम्मी फिर भी उसको खिला पिला देती हैं। तो मुझे दोनों बच्चे सोते हुए मिलते हैं और जब वो जगते हैं तो फिर मैं सो जाती हूँ। मुझे भी पता नहीं कितनी नींद आती है एकदम से दोपहर में। तो बस अभी सो के उठी हूँ गाइज, और शाम का कुछ बनाती हूँ चल के, जैसे कि कुछ हल्का सा सोचती हूँ क्या। तो ओट्स रखे हुए हैं, तो ओट्स का ही बनाऊँगी चीला, और बेसन नहीं है तो थोड़ा सा आटा मिक्स कर लूँगी। तो चलते हैं, बस चीला बनाते हैं चल के नीचे गाइस। और हाँ, किट्टू का पेपर है तो किट्टू को भी पढ़ाना ही है, तो उसके पेपर चल रहे हैं, कुछ वर्क भी चल रहा है, मीन्स क्लासेस भी चल रही हैं एंड पेपर भी चल रहे हैं, तो होमवर्क भी कराना होता है एंड पेपर भी चल रहे हैं। तो ये देखिए गाइज, ये ना बच्चे मतलब कुछ ना कुछ फालतू का करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है इन सब का, और ये निशान ही पड़ जाएंगे इसके कवर्ड में। तो जबरदस्ती का देखिए चिपकाया हुआ रखा है, ये देखिए। तो बस किट्टू की निकालते हैं बुक्स वगैरह, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, एंड ये लगा रखा है चिट्टन का, ये एग्जाम का, ये इन्हीं की सेफ है तो ये पूरा लगा रखा है। खोलते हैं तो समझ में आ जाता है कितने चैप्टर से कितने का है। तो इनका है इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज निकालती है। और देखिए पूरे वीक में ना ये करती रहती है खटर पटर, तो पूरा मैसी वैसी सा पड़ा हुआ है काफ़ी। तो संडे में या किसी और दिन करते हैं क्लीनिंग इसकी। तो इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज निकालते हैं फिर गाइस। ये बुक्स रखी हुई हैं, ये जो है ना इनकी टाइम टेबल के हिसाब से जाता है, तो बाकी की जो बुक्स बच जाती हैं वो इसी में रख देते हैं गाइस। और ये देखिएगा, ये किट्टू के पापा ने ये बनवाई थी इनकी, बच्चों को बोल देते हैं बनाने के लिए, बट गार्जियन को ही बनाना पड़ता है, बच्चे कहाँ इतना बना पाएंगे। बस हाँ, बच्चे थोड़ा कोऑपरेट कर देते हैं, तो किट्टू के पापा ने ये वर्क करवाया था उनका। तो निकालते हैं लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, ये है इंग्लिश लैंग्वेज की, इसको रखते हैं अलग, एंड ये है इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक, एंड ये है इंग्लिश लैंग्वेज की, एंड ये है इंग्लिश लिटरेचर की। तो ये दो निकालते हैं बस। बाद बाकी ये सारी बुक्स रख देते हैं ऐसे ही।
और ये बन रहा है इवनिंग का स्नैक। सो के उठी हूँ तो कुछ खास ज़्यादा मन भी नहीं हो रहा था कि कुछ खास मैं इसमें मिक्स करूँ, तो वेजिटेबल्स वगैरह मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करी है, सिर्फ ओट्स है, ओट्स लिया है और इसमें थोड़ी सी हल्दी वगैरह मिला दी है थोड़ा कलर के लिए, और हल्का सा नमक है, हल्का सा मिर्च है, और पहले से भिगा दिए थे थोड़े से ओट्स, और हल्का सा इसमें मैंने आटा मिक्स किया है, वही गेहूं का आटा, तो जिससे कि ये थोड़े से सही बन जाएंगे, बंद जाएंगे गाइस। तो बस कुछ इस तरीके से है ये मेरा बैटर, और वही एक एक दो दो चीला अपना खा लो, शाम के टाइम बस मन कर रहा था हल्का सा, तो वही है बस ये मेरे चीला जो है रेडी हो गए हैं एकदम सिंपल वे में गाइस। और गाइस यहाँ पर हमारी छोटी सी गुड़िया रानी, ये इनका काम है लगभग कुछ दिनों से, इनका ये रेगुलर काम है, और बहुत ही एक्साइटिंग एक्साइट होके मुझे टैबलेट्स खिलाती हैं और बहुत ही प्यार से खिलाती हैं, सिर्फ नाम ले दो हम अम्मा को दवाई लेनी है तो बस पानी पिलाएंगी और दवाई देंगी, और गले में इस तरह से सहलाती हैं कुछ बड़े ही प्यार से, जैसे कि गोली अटक जाती है ना, तो बस वही है ना कि बच्चों का प्यार होता है ना, ये सारी चीज़ देख के ना सारी थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है, टेंशन एकदम से दूर हो जाती है, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है गाइस, और इस मोमेंट को मैं फुली एंजॉय करती हूँ। और गाइस बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, डिनर वगैरह हो चुका है, और उसके बाद आए हैं अब हम लोग ऊपर, और बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं ये पीछे, तो मैं इन लोगों को दिखाती हूँ भाई। मम्मी हाँ मम्मी, दिखाओ। ओ वाओ वेरी गुड। और ये हमारी छोटी रानी तो ये हमेशा ही कलर करती रहती है। काम। हाँ काम, मेरा बाबू पता नहीं कितना काम करता है ये देखो ये कलर, दीदी जब पढ़ रही होगी तो उनकी ड्राइंग चलेगी, तो काम कर रही है मेरी बाबू, देखो कितना सुंदर सा काम कर रही है। एंड ये है हमारी क्यूट सी किटन, और ये भी भाई ये भी पढ़ाई कर रही है गाइस। कल किसका पेपर है बाबू? इंग्लिश का। इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। और बाबू का भी है बाबू? हाँ। दिखाओ तुम्हारा भी पेपर है। ये मेरी बाबू बहुत काम करती है भैया, पता नहीं मैं क्यों काम करवाती हूँ इससे इतना। तो ये हमारे दोनों बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं। और गाइस ये बॉटल जो है वो है सैनिटाइजर की, और मैं ऐसी चीज़ों को फेंकने से पहले कई बार सोचती हूँ कि मेरे किस यूज में आ सकती हैं, तो ये सैनिटाइजर की बॉटल है गाइस, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया है, सैनिटाइजर हो गया था फिनिश, तो अब मेरे पास ये यूज़ में आने वाली है अच्छी सी एक स्प्रे बॉटल, जब बहुत ही हल्के पानी की ज़रूरत है प्लांट में। ये देखिएगा इसको पानी से फेस भी वॉश कर लो, बड़ा मस्त वाला लगता है। और मैं हाँ लो है ना, तो बस मैं स्प्रे करने वाली हूँ पानी से, तो पानी
होती है, हमारी मिट्टी वाला साथ में लगी पड़ी है, वो पानी कम पानी की जरूरत पड़ती है, प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो गर्मी में स्प्रे करना तो बहुत जरूरी है। तो सुबह और शाम में स्प्रे करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, सूर्योदय से पहले ही, जो सनराइज होता है उससे पहले ही मैं इसको जो है स्प्रे कर देती हूँ गाइस। एंड अब मैं कर रही हूँ शाम के टाइम स्प्रे, और मेरे बच्चे लगे पड़े हैं तो बस मैं स्प्रे करती हूँ जल्दी से अपने प्लांट्स पर। ये किट्टन ने अपनी छोटी सी स्प्रे बॉटल ले ली है, क्योंकि ये किसकी है बेटा? वो जो उसने परफ्यूम आई थी उसकी। ओहो, ये परफ्यूम मैं लेके आई थी, तो उसका ये टेस्टर है परफ्यूम का, तो परफ्यूम हो गई फिनिश। एंड ये भी बहुत ही अच्छी सी स्प्रे है, देखिए आप लोगों को दिख रही होगी हल्का सा, ये देखिए फॉगी सा, ये बहुत ही क्यूट सा, ये देखिए। तो इससे ये प्लांट्स पर पानी देती है, ये और मिट्टू दोनों बच्चे, क्योंकि ना ये गर्मी में बिल्कुल पत्तियां इनकी डाउन हो जाती है, और अभी मैंने इनको रिपोर्ट किया था तो ये थोड़ा सा शॉक में भी गए हैं प्लांट्स, तो मनी प्लांट्स की पत्तियां भी काफी मुरझा गई हैं मेरे की। बेटा सिर्फ पत्तियों पर, ये बहुत प्यारा सा लग रहा है, इसकी लीव्स बहुत क्यूट लग रही है मुझे। एंड गाइज अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और मैंने सोचा अब मैं ब्लॉग को यहाँ पर करती हूँ फिनिश, क्योंकि मेरे बच्चे भी थोड़ा शैतानी दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनको जो उनकी जो वॉइस अगर आती है तो उसको अवॉइड करिएगा गाइज। तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ गाइज, डिनर हो चुका है एंड हल्के से जो स्नैक्स बनाए थे वो, एंड प्लांट्स को मैंने पानी दे दिया है, तो बस किट्टू अपनी थोड़ी बहुत स्टडी कर चुकी हैं, अब देना है उनको रात का दूध, और बस उसके बाद अब हमें सोने जाना है। तो गाइज आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कीजिए लाइक, एंड अगर चैनल पर आप न्यू हो तो कीजिए सब्सक्राइब, एंड हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ। On the way to you, in an orange sky, by the ocean blue, every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking